नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। दिल दहला देने वाली घटना अमेठी से आ रही। आपको बता दें, अमेठी में शिक्षक पत्नी और दो बच्चों की गोली मारकर हत्या। यूपी के अमेठी में एक शिक्षक, उसकी पत्नी व दो बच्चों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। वारदात अमेठी के अहोरवा भवानी कस्बे की है। पुलिस के मुताबिक शिक्षक सुनील कुमार, उम्र लगभग 35 वर्ष, किराए के मकान में पत्नी, बेटी व बेटे के साथ रहते थे। आपको बता दें, सुनील पीएम श्री विद्यालय पनौहा में सहायक अध्यापक थे। बृहस्पतिवार की शाम को वह पत्नी व बच्चों के साथ घर में मौजूद थे। तभी कुछ अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर शिक्षक को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर दी। बचाव में आई उसकी पत्नी व दो मासूम बच्चों को भी बदमाशों ने गोली से मार दिया। वारदात देने के बाद हमलावर भागकर निकल गए। सूत्रों की माने तो शिक्षक सुनील कुमार व उसके परिवार के मुकदमे की रंजिश की हत्या बताई जा रही। एसपी अनूप सिंह का कहना है कि प्रथम दृष्टया जांच में पता चला कि सुनील कुमार की पत्नी ने रायबरेली कोतवाली में चंदन वर्मा के खिलाफ छेड़छाड़ व SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। जाँच की जा रही है, कहीं उस घटना का इस वारदात से कोई संबंध तो नहीं। हम आपको बताएंगे अमेठी में हुए हत्याकांड मामले में रायबरेली जनपद से बड़ी खबर। अमेठी जिले में शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम भारती व दो मासूम बच्चों की हत्या का मामला सामने आ रहा। मृतका पूनम ने 18 अगस्त को रायबरेली में दर्ज करवाया था मुकदमा। शहर कोतवाली में चंदन वर्मा पर छेड़छाड़, मारपीट व जात सूचक शब्दों के प्रयोग का लगाया था आरोप। 18 अगस्त को सुमित्रा हॉस्पिटल में बच्चे को दिखाने गई थी मृतका। शहर कोतवाली पुलिस ने मृतका पूनम की तहरीर पर दर्ज किया था गंभीर धाराओं में मुकदमा। रायबरेली जिले के गदाखेड़ा थाना क्षेत्र के सुदामापुर का रहने वाला है मृतक सुनील कुमार। घर में पति पत्नी और उनके दो बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी चारों को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहां पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था। हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से, क्या इस घटना उस FIR के मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। सर, ये मृतक कहाँ के रहने वाले थे? क्या व्यवसाय था? देखिए, अभी तक जो हमें इनका एक आधार कार्ड मिला हुआ है, वो तो रायबरेली का इनका एड्रेस पता चला है, निवास पता चला है, और ये यहाँ पे पन्हौना में प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर। तो कुछ सुराग मिल पाया है? हत्यारोपियों को सुराग मिल पा रहा है? देखिए, अभी हम लोग ने टीमें लगा दी हैं, टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और तलाश कर रही हैं, शीघ्र ही इस घटना का अनावरण कर रखिया गया। सर, बच्चों के बारे में सर, दोनों लड़की थे? देखिए, दोनों लड़की हैं, एक की उम्र करीब 5 साल के आसपास है और दूसरा 1.5 या 2 साल के आसपास है। सर, एड्रेस थोड़ा सा कंफर्म कर दें। देखिए, सुदामापुर है रायबरेली में, वहाँ के लोग उनका आधार के हिसाब से मतलब फादर का नेम उनके जो है वो राम गोपाल है। राम गोपाल, ठीक सर, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले इसमें घटनास्थल का निरीक्षण और इस तरह से किया गया है, हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए हैं। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाजा है, और या तो वो खुला है या खोला गया है, और जो स्थितियां जो और साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी 4 टीम्स इसमें लगी हुई हैं। जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को हम लोगों ने अब तक संकलित किया है उस पर बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, हत्या का मोटिव जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है कि हत्या हो गई है ये ऐसी दशा में बच्चों पर हत्या का मतलब होता है कि जब आप किसी को पहचान रहे होते हैं, ऐसी स्थितियां रहती हैं, तथापि
इसमें जो हम लोगों को महत्वपूर्ण क्लूज मिले अभी हमें उजागर करना उचित नहीं होगा, बस मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं और इस बेसिस पर बहुत जल्दी घटना का हम लोग खुलासा करेंगे और बहुत जल्दी इस पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, पड़ोसी जनपद का कुछ इशारा है जो मैंने आपको कह दिया कि इसमें अभी हम इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बस हम लोग बहुत नजदीक है, जल्दी इसको घटना कराओ। थैंक यू।